उसके बारे में मैंने सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात किया। उन्होंने जो मुझे जानकारी टेक्निकल जानकारी दिया, उन्होंने यह बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी का पिस्तौल इस प्रकार से कोई छीन के फायरिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह है, नंबर एक, कोई भी पुलिस अधिकारी का जो पिस्तौल रहता है उसको एक हुक रहता है, सभी रिवॉल्वर और पिस्तौल को हुक रहता है। हुक यहां हुक जो रहता है हुक में उसको पूरा यहां तक बांध दिया जाता है, तो हुक रहने के कारण कोई भी ऐसे निकाल नहीं सकता, नंबर एक। नंबर दो, जब पिस्तौल निकालने के बाद में उसको कॉक करना पड़ता है, कॉक मतलब उसका मैगजीन में जो गोलियां रहती है उसमें जब सिलेंडर में जब तुम्हारी बुलेट जाती है उसको कॉक करना पड़ता है, तो कॉक करने के बाद ही सिलेंडर में बुलेट जाती है। नंबर तीन, सिलेंडर में बुलेट जाने के बाद में हर एक पिस्तौल या हर एक रिवॉल्वर को एक लॉक रहता है, और वो लॉक को हमेशा, वो लॉक जो रहता है पिस्तौल का उसको हमेशा लॉक करके रखते हैं। जब तक लॉक खुलता नहीं या लॉक खोलते नहीं तब तक फायरिंग नहीं हो सकती। और ये पूरी ट्रेनिंग पुलिस को दी जाती है, कोई भी अनजान आदमी किसी की पिस्तौल पहले तो छीन नहीं सकता और छीनने के बाद में उसको चला नहीं सकता, क्योंकि उसकी टेक्निकल जानकारी जब तक कोई और किसको नहीं है उसका, उसको ट्रेनिंग लेने के बाद ही कोई भी आदमी फायरिंग कर सकता है। करके पूरा मामला सस्पिशियस है। बदलापुर में जो स्कूल में जो घटना घटी उसके जो मालिक थे स्कूल के, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे। उसको बचाने के लिए पहले दिन से उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। जब ये घटना घटी तो 5 दिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिलना चाहिए उसके लिए प्रयास स्कूल के मैनेजमेंट ने और सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जब धीरे धीरे मामला लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने फिर पुलिस स्टेशन के ऊपर जाके बोला कि इसका मामला दर्ज होना चाहिए। एफआईआर जब दर्ज करने गए तो जो पीड़ित जो बच्चियां थी उसकी फैमिली वाले थे उनको 13 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया, लेकिन उनका तकरार उनकी दर्ज नहीं की गई, एफआईआर नहीं दाखिल किया गया। जब लोगों का प्रेशर बढ़ा तब एफआईआर दाखिल किया। तो उसी प्रकार स्कूल का सीसीटीवी गायब है। जिस टाइम तलोजा जेल से ये सिंधे जो आरोपी है उसको जब लेके जा रहे थे बदलापुर पुलिस स्टेशन, तो जो रूट जो है उसको चेंज किया गया, रिंग रोड से भाया मुमरा उसको बदलापुर ले जाने का उन्होंने रूट लिया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नियरेस्ट जो रूट है बदलापुर टू तलोजा टू बदलापुर, लेकिन मुमरा ले जाने के लिए जरूरत नहीं थी, रूट भी बदल दिया गया। इस प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस है। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटे जो स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है, अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई या आपटे आरोपी है, इसके बारे में लोगों को डाउट है। जो भी आरोपी है उसको सजा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आरोपी सचमुच अक्षय शिंदे है या स्कूल का मालिक है, इसके बारे में लोग अभी अलग अलग बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। मैं जब गृहमंत्री था तब हमने कानून लाया था कि जिसके तहत ऐसी जहां भी महिला के ऊपर या लड़की के ऊपर ऐसी बात घटना होती है, अत्याचार होता है, तो उसको 21 दिन के अंदर फांसी देना चाहिए। वो कायदा हमने पास किया, उसको केंद्र शासन में भेज के 3 साल हो गया उनके मंजूरी के लिए, लेकिन अभी तक केंद्र शासन ने मंजूरी नहीं दिया। केंद्र शासन मंजूरी देती तो अभी तक अपन ऐसी कहां भी घटना हुई तो उसको 21 दिन के अंदर फांसी, कानूनन फांसी दे सकते थे, लेकिन पता नहीं केंद्र शासन जो हमने शक्ति कायदा जो भेजा था मंजूरी के लिए, अभी तक उसको मंजूरी नहीं दिया।
मेरी दरखास्त रहेंगे कि उन्होंने जल्द से जल्द उसको मंजूरी देना चाहिए। और ये जो बदलापुर की जो घटना, एनकाउंटर की जो घटना है, इसकी जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से करना चाहिए। इसमें एक वॉर भी शुरू हो गया, कुछ पोस्टर्स रिलीज कर रही है बीजेपी, एक इस एक्शन को कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी बताया जा रहा है एनकाउंटर को। ऐसा ही लोगों को गुमराह करने की बात है। हमारा तो खुला आरोप है कि स्कूल का जो मालिक है वो तो कहीं असली आरोपी नहीं है, और असली आरोपी अक्षय शिंदे है कि स्कूल का मालिक आप्टे है, इसकी पहली जांच होना चाहिए।